अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हेलो, सत श्री अकाल सब मेरे दोस्तों को, बहुत बहुत प्यार। सत श्री अकाल मैंने इसलिए बोला है कि जितने भी मेरे पंजाबी भाई हैं इंडिया में और जितने भी मेरे सिख भाई हैं पाकिस्तान में, हम पंजाबी सारे हैं, मैं हूँ पिंडी से, ठीक है, और सारे पंजाबी भाइयों को मेरा प्यार, बहुत बहुत प्यार। और आज मैं बात करूँगा इंडिया के जो बुजदिल मोदी के बारे में, और इंडिया का बुजदिल मीडिया, और इंडिया का जो बुजदिल अवाम का दिल है, वो दिल्ली वाले दल्ले जो हैं। मैंने अभी एक वीडियो देखी है पंजाबी भाई की, उसने बड़े मज़े से एक बात की है। वो कुछ ऐसे कहता है, हमारा सिख भाई है, बड़ा खूबसूरत भाई है, बड़ा प्यारा भाई है, वो कहता है कि क्यों ये दिल्ली वाले दल्यो, तुसी बड़ा कहते सो घुस के मारेंगे, घुस के मारेंगे, ताऊ बाजवा ने ठोकया कि नहीं। तो भाइयों बात इस तरह है, जितने भी मेरे इंडिया की आवाम सुन रही है, पाकिस्तान की आवाम सुन रही है, कान खोल के सुनो इंडिया वालों, तुम्हारा मीडिया सिर्फ फिल्मों में ड्रामेबाजी कर सकता है और या अपने मीडिया पर ड्रामेबाजी कर सकता है, ठीक है, उसकी उसको समझो। और मेरे कितने ही इंडियन फ्रेंड्स हैं जो इस बात को समझते हैं कि इंडियन मीडिया और ये मोदी सरकार जो है ये बग़ैरतों की सरकार है, ठीक है, और इन लोगों ने सिवाय जो है जुल्म जुल्म के और बेगुनाह लोगों को मारना, चाहे वो गुजरात में मुसलमानों का कत्ल हो या कश्मीर में बेचारे जो कश्मीरी हमारे मर रहे हैं, या इस इन बहन चौदों ने जितने हमारे सिख भाई मारे हैं, ये सारे मेरे सिख भाइयों को भी पता है और इनकी वीडियोज़ भी हम लोग देखते रहते हैं। तो भाई जी बात सीधी सी है, मोदी साहब अगर इतनी है ना, तो इतनी से इतनी हो जाएगी अगर दोबारा आपने पाकिस्तान की तरफ देखा भी, ठीक है, और इंडियन मीडिया की तरफ तो मेरा स्पेशल सा थुक भरा जो है वो लोड़े वाला प्रणाम है, समझ आई। तो आपको तमीज़ होनी चाहिए और शर्म होनी चाहिए बहन चौदो इंडियन मीडिया वालों, आपके लिए ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो पंजाबी च अगर सुनना चाहो तो थोड़ी मैं हूँ की कह, छोड़ो रहन दो भैन चौदो, बुजदिल अवाम गौ मूत्र पीण वाली कौम, भैन चौदो तुसी साढ़े नाल मुकाबला करोगे, गां दा मूत्र पीण वाली कौम, तुहाडे अपने स्टेट दा मिनिस्टर कह रहा है कि मैं गाय को एक कुत्ते बिल्ली से ज़्यादा नहीं समझता, भैन चौदो सिर्फ उत्थे गरीब मुसलमानों नूं मार के ते तुसी समझदे हो कि तुसी बहुत वड्डे हिंदू हो गए हो, भैन चौदो बुजदिल कौम हो तुसी, बुजदिल ते बुजदिल तुहाडी आर्मी है, ते दोबारा जे इस तरह की हरकत की ना तुहाडी भैन नूं लन दे देना सारे पाकिस्तानियों ने मिल के, ते इत्थे ते भैन चौदो वीडियो देख लो घर घर च असला पे है, भैन चौदे पुत्रो अगर पाकिस्तान ने साडे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सल्यूट है साडा, अगले ने तुहाडी माँ भैन भी मारी है, उस तो बाद तुहाडा बंदा भी वापस किया गया, ए लो फिर एक बार ढूई साह ने आना वापस, समझ आई, इंसान दे पुत्र बन जाओ भैन चौदो, दोबारा जे पाकिस्तान की तरफ मूँह किया या साढ़े सिखा भरा की तरफ कोई मूँह किया तो तुहाडी भैन नूं लन दे देंगे, याद रखना। और अब ज़रा प्यार भरा सलाम सारे भाइयों को, ये आजकल जी जो सिचुएशन चल रही है सबको पता है क्या सही है क्या गलत है, इंडियन मीडिया झूठा है और हमेशा झूठा रहेगा, इंडिया की कुछ आवाम जो समझदार है वो सवाल पूछ रही हो, भैन चो दो जड़े तुसी तीन मार 300 बंदा मारिया या कहें 40 बंदा मारिया 50 बंदा जिन्ना भी बंदा मारिया को भैन चो दो एक बंदे की तस्वीर दिखाओ, असी तो सारे मीडिया ने दिखाया थोड़े कि दो जहाज ढाए ने पायलट भी फड़े ने, ठीक है, तो ये वीडियो मैं तां बनाई है कि इंसान के पुत्र बन जाओ तो समझ जाओ गल नूं, तुहाडी भैन नूं लन भैन चो दो, ते बाकी अपने पंजाबी भरावां नूं प्यार, ते साडे लई साडे दिलां च गुरु नानक सरकार बादशाह दा असी उन्हां दी बड़ी इज्जत करने आ, ओह अल्लाह दे बड़े प्यारे बुजुर्ग सन और उन्हां दी तालीमात असी भी सुन रहे हां, और साडे पाकां दे पाक जिन्ने भी साडे पाक ने साडे इमामां दे बड़ी रिस्पैक्ट करदे ने और उन्हां दी बड़ी मुहब्बत है साडे दिलां च भी, उन्हां दे दिलां च भी साडे जिन्ने भी सिख भरा ने उन्हां दे लई बहुत बहुत प्यार है मेरा, ते अपना ख्याल रखो पंजाबी भराओ, ते बाकी जिन्ने भी लोग ने इंडियन, I just want to say one thing, we don't hate Indians, we hate Indian army and we hate Indian corrupt people, right? So don't ever try to mess with my country, otherwise we're going to fuck you guys and we will, right?
ट्रस्ट मी वी विल फक यू गाइस। वेल अपना ख्याल रखना जी, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, फी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़, बाय।